बात करूंगा कि मीडिया हमें कवरेज करने आई है, और मीडिया के ही कारण सबको पता चलता है कि शहर में क्या हो रहा है या सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और ये प्रेस वार्ता आज रखी हुई है कि हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिलने गए थे, पीएमओ में मंत्री हैं, तो हमें डाउट था कि सुनने में आ रहा था कि जहाँ एक बैटरी को RCA लगा रहे हैं और दूसरा अपने बाणगंगा वाला जो प्राचीन पुल है, यहाँ बाणगंगा यहाँ माता जी ने केस दोए थे और प्राचीन मंदिर चंदपाद का भी आता था, तो उसको तोड़ने की बात चल रही थी। तो इन्होंने कोई डिक्लेयर किया था कि 3 तारीख को हम पुल तोड़ेंगे, तो उसको लेके हमने डॉक्टर साहब से बात की थी। तो डॉक्टर साहब ने CO साहब को फ़ोन भी किया था कि ये मेरे पास ऐसे डेलीगेशन आया है कटरा से, तो आप इनसे मिलें और बात करें, और CO साहब को कहा। और फिर हमने CO साहब से अप्रोच की, लेकिन CO साहब किसी वजह से व्यस्त थे, बीच में दिल्ली भी चले गए थे, तो आज उन्होंने बुलाया था। तो आज उनसे बैठ के बात हुई हमारी, तो उन्होंने बोला कि बताएं प्रभात जी क्या है। तो हमने उनको कहा कि हमें ऐसे से ये अगर आप ब्रिज तोड़ते हैं तो हमें इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, एक तो आस्था के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि आप अगर कोई कहता है कि 1 महीने में बन सकता है तो 1 महीने में इम्पॉसिबल है बनना। तो हमने कहा उसको कि आधा आधा करके आप बनाएं उसको, डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं कैसे बन सकता है। तो हमने उनको राय दी है कि एज इट इज जैसे वो ब्रिज बना हुआ है, एक तो पहले हमने कहा कि आधा आधा करके बनाएं, फिर हमने कहा कि अगर आप उसको बनाना ही चाहते हैं तो वैसे भी अगर आप उसको तोड़ते हैं उसमें सरिया या जो कंक्रीट वो तो वेस्ट ही है, आप उसके ऊपर ही गाडले वगैरह डाल के, सरिया डाल के उसके ऊपर आप लैंडर डालें और नीचे आप अच्छे मजबूती से पिलर दें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल श्योर किया, उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही उसको वो करेंगे, जब भी करेंगे ऐसे ही होगा। तो दूसरा हमने जब बैटरी बैटरी कार की बात की तो उन्होंने कहा पहले हमारा प्रोग्राम था, अब कोई ऐसी प्रोग्राम नहीं है, जब भी हम बैटरी कार चलाएंगे तो आपके साथ बैठ के डिस्कस करके। तो हमने उनको एक दो ऑप्शन भी दिए कि कैसे आप करें, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किए कि चलो हम देखेंगे प्लान कैसे क्या बनता है। तो इसमें हम उनसे जो नीचे डिप्टी CEO हैं उनसे भी हम मिले हैं, उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं हम आके देखेंगे कैसे क्या हो सकता है। तो बाकी DDC मैडम ने भी बात रखी है तो मैडम बताएंगी। मेरे साथ पूरी क्लियर बातें हुई थी कि हमें कहा गया था श्राइन बोर्ड की तरफ से यो वहां स्टॉप है। अभी CO साहब भी मुझे कह रहे थे कि भाई साहब उसका नाम बताएं जिसने आपको ये कह दिया। तो मैंने कहा भाई साहब आप IAS अफसर हैं और एक छोटा मुलाजिम या कोई भी है, हम किसी की अगर रोजी रोटी लगा नहीं सकते तो बिगाड़ने की वो हम सोचेंगे भी नहीं। तो मैंने उनको वो ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था जैसे मैंने उनका धन्यवाद भी किया CO साहब का, जैसे वो रेन वाटर जो गंदा पानी जो नालियों का जो गंगा में आके मिल रहा था, तो मैंने उनको बताया कि यहाँ से लोग गंगा जल भर के लेके जाते थे, माता ने यहाँ पे केस धोए हैं। तो मैंने उनका धन्यवाद भी किया, CO साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस चीज के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन देखो अगर ब्रिज टूटता है, जब हमें पता चला ब्रिज टूटता है तो वहां एक तो आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, दूसरा वहां 1600-1700 शॉप्स हैं और वहां उस पंचायत का मैं पंच भी हूं और युवा मोर्चा BJP जो युवा विंग से मैं युवा अध्यक्ष भी हूं जिला का, तो मुझे सारी चीजें वहां देखनी पड़ती है, और प्राचीन मंदिर चंदपाद का मैं अध्यक्ष भी हूं, तो वो सारी चीजें लोग लेके आते हैं, और जब हमें खुद पता है तो हमें उसका वो करना ही चाहिए एक्सप्लेन कहीं आगे जहां अपनी अप्रोच हो। अब PMO में बैठे मंत्री वही अब सब कुछ हैं, तो हम उनसे ही बात करते तो बात बनती। तो उन्होंने CO साहब को कहा, तो उनका तोड़ना या नहीं तोड़ना वो मायने रखता, जब एक बार केंद्रीय मंत्री के पास बात पहुंच गई तो उन्होंने उसका शॉर्ट आउट कर दिया, और CO साहब को कैसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कहा, लेकिन उसका जो है सोल्यूशन निकल गया। तो हम खुश हैं CO साहब से, कोई र्यूमर शोर था, लेकिन आप अगर कोई कहे र्यूमर है तो हम किसी का मुंह पकड़ नहीं सकते, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि आपने पहले भी देखा होगा 2-4 साल पहले जब एजिटेशन हुई, तो अगर मैंने अगर वहां एजिटेशन करवाई या मेरे साथ जो लोग जुड़कर एजिटेशन की, तो उसका रिजल्ट देख लिया हमने, बाणगंगा लंगर के पास एक लिंक लगवा दिया कि सारी यात्रा दर्शन ड्योढ़ी पार करके जाए, वहां से यात्री का मन है वो न्यू ट्रैक से जाए या जो नेचुरल ट्रैक है यहाँ आस्था के साथ जुड़े उस ट्रैक से जाए। तो हमारा ये है, हमारा हमारी सियासत या हमारी लीडरी उस तरीके की नहीं है कि लोगों को गुमराह करना या झूठ बोलना, और हमारी पार्टी में संगठन में ये सिखाया भी जाता है कि झूठ का जो होता है वो नैया पार नहीं होती, सच बोलो, थोड़ा बोलो, जितना हो सकता है उतना करो। तो बिल्कुल र्यूमर नहीं था, जो बातें थी वो मैंने आपके आगे रखी, और CO साहब को भी मैं मुझे मौका मिला और उन्होंने बुलाया तो हमने उनके आगे बात रखी, तो सारी बातें क्लियर हो गई। देखें ये तो डिपार्टमेंटली है,
अब जैसे उनका मन होगा, अब देखो श्राइन बोर्ड को अब इतनी बड़ी बात बनी है, अगर सीओ साहब पूछ रहे हैं कि कैसे क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि अगर केंद्रीय मंत्री फोन कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। अभी अगर मैं कहूं कि मेरे कहने से पुल का काम लग जाएगा या रुक जाएगा, वो तो इम्पॉसिबल है। मैं एक मामूली सा पंच हूं, पंच होता क्या है? मैं तो मतलब कि मुझे पता है ना पंच क्या है, पंच और सरपंच की कोई इतनी वो नहीं है। लेकिन अब मैंने बात वहां रखी जहां वजन है, बस सोल्यूशन निकलना शुरू हो सोल्यूशन निकलना चाहिए। सबकी रोजी रोटी का सवाल है। अब मेरे साथ रमन जी गए थे, उनकी कम से कम 80 के 85 शॉप्स हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं। विक्रम जी गए थे, 150 दुकान है इनकी। अब सारे हमने बैठक की थी लोगों के साथ, जैसे हमारे और भी कुछ लोग हैं, सबके साथ हमने बैठक करके फिर हमने डॉक्टर साहब से बात रखी कि ये आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम आएगी। तो सबने कहा नहीं, ये मतलब बात करनी चाहिए, हल निकलना चाहिए। नमस्कार, जय माता दी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, प्रॉब्लम्स तो अभी तो हमें कोई नहीं आ रही है। जितने भी काम हैं, पहले तो एक ही साल हुआ है अभी, तो हर पंचायतों में काम लगे हैं। जो हमारा डीडीसी का वो डीडीसी का प्लान वो था, कपैक्स बजट था, वो हमने जितने जितना भी दिया था हर पंचायतों में, तो हर पंचायतों में काम लगे हैं। तो अभी तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं आ रही है वैसे। हाँ बिल्कुल, हमने हमारी जो काइंडली पंचायत है वहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, वो डीसी साहब भी वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की थी, वो जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। और जो युवा है ये नशे को छोड़ के वहाँ पे खेल मैदान का काम जरूर करेंगे।